Nem. गाइस यार थोड़ी मेरी वॉइस में थोड़ी चेंज आ रही होगी क्योंकि ये कोई दूसरा माइक यूज कर रहा हूँ। तो यार कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं क्यों इतने लेट वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यार स्कूल्स खुल चुके हैं और हमें स्कूल जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है, तो ये सब साइड में रखते हैं। और आज का टॉपिक है यार हीट ब्लास्ट ओरिजिन। और यार बिना किसी इंट्रो को लगाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मतलब मैं तो टॉप पे माय फेवरेट टैलेंट्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला था, क्योंकि मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट भी डाला था, स्क्रीनशॉट तो नहीं है। एंड क्योंकि यार वो मतलब टॉप फाइव की वीडियो है, तो यार थोड़ी और टाइम चाहिए मेरे को। एंड अभी मेरे पास बस एक घंटा टाइम है एडिटिंग के लिए भी, तो समझ रहे हो ना बहुत टाइम लगता है। हीट ब्लास्ट एक ऐसा एलियन है जो क्लासिक सीरीज में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब पेन ने पहली बार हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था, लेकिन हमला तो वाइल्ड मार्ट से किया था। अगर गाइस हीट ब्लास्ट के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात कर, तो हीट ब्लास्ट के पास है इनहांस स्ट्रेंथ, इनहांस ड्यूरेबिलिटी, इनहांस स्पीड, इनहांस रिफ्लेक्सेस और बहुत सारी एबिलिटीज है। नहीं है, नहीं है, नहीं विश्वास नहीं हो रहा तो येलो प्रूफ। देख लिया प्रूफ। और बहुत सारी एबिलिटीज है गाइस हीट ब्लास्ट के पास, जो कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि लिस्ट ही इतना लंबा है भाई। गाइस यार अगर आप पूछ रहे हो हीट ब्लास्ट के स्पीशीज को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पाइरोनाइट। और हीट ब्लास्ट के होम प्लैनेट का नाम है पाइरस, जो कि यार थोड़ा मतलब अलग टाइप का नाम है। चलो अभी हीट ब्लास्ट के बारे में कुछ एक फैक्ट जान लेते हैं। तो देखो यार जो हीट ब्लास्ट का जो आर्ट है, जो ओमनिवर्स में जो आर्ट है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है बैडमैन के आर्ट से। बैडमैन का आर्ट और हमारा जो प्राइम बैन का ओमनिवर्स का जो आर्ट है बहुत ज़्यादा सिमिलर है। स्क्रीनशॉट तो नहीं है बट आप फैंडम में इसका फोटो शायद से देख सकते हो, बट मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है। तो बस यार यही था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।